गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर है बीसी थर्ड ईयर के लिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द सीएसएल कास्टिंग स्टाइल शीट, हमने सेट टेक के बारे में पढ़ा था। ये जो हम यूनिट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं, उसका टॉपिक चल रहा है स्टाइल एट्रीब्यूट। तो मैंने बताया था कि जो आई स्टाइल्स हैं, वो स्टाइल आप एचटीएमएल के अंदर तीन तरीके से लगा सकते हैं। तीन तरीके से आप स्टाइल को एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल पेज के अंदर लगा सकते हैं। कैसे? यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट, बाय यूजिंग थ्री वे वी कैन यूज स्टाइल इन HTML टैग। हम तीन तरीके से स्टाइल्स को HTML टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। पहला तरीका था इनलाइन। इनलाइन के अंदर हमने क्या यूज करा था? इनलाइन के अंदर हमने यूज कर लिया था स्टाइल एट्रीब्यूट। दूसरा तरीका है इंटरनल। इंटरनल में हम यूज करेंगे स्टाइल टैग। और तीसरा तरीका है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हम यूज करेंगे CSS फाइल। तो ये तीन तरीके हैं, तीन तरीकों का यूज करके आप स्टाइल को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हो। पहला तरीका इनलाइन, दूसरा इंटरनल, तीसरा एक्सटर्नल। इनलाइन में आप क्या यूज कर रहे हो? इनलाइन में आप यूज करोगे स्टाइल एट्रीब्यूट। और प्रीवियस क्लास में यूज कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप देखोगे तो वहां पर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर रखा है। दूसरा तरीका है इंटरनल। इंटरनल के अंदर हमें यूज करना पड़ेगा स्टाइल टैग। तीसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर हमें यूज करना पड़ेगा सीएसएस फाइल। राइट, यहां देखिए ये इनलाइन वाला एग्जांपल था। इनलाइन वाला एग्जांपल ये रहा। यहां पर हम क्या करेंगे, एचटीएमएल टैग यहां शुरू हो रहा है, एचटीएमएल टैग यहां बंद हो रहा है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप ब्लू हेडिंग, और यहां पर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करा और इसे वैल्यू दे दी। तो यहां पर क्या अवेलेबिलिटी कलर कॉलन ब्लू, तो क्या हुआ कि ये जो टेक्स्ट है ये किस कलर में आएगा, ब्लू कलर में। राइट, तो ये तरीका था इनलाइन का। अब बात करते हैं अबाउट इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस कैसे यूज करेंगे? इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्टाइल टैग। क्या यूज करते हैं? स्टाइल टैग। स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होती है इनलाइन में। राइट, इंटरनल में क्या डिफरेंस है, इंटरनल सीएसएस में डिफरेंस है। यहां पर यूज होगा अब स्टाइल टैग, ठीक है। और स्टाइल टैग कहां यूज होगा, हेड सेक्शन में। स्टाइल टैग कहां यूज होगा, हेड सेक्शन में। हम जो अपने एस्टीमेट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उस एस्टीमेट डॉक्यूमेंट में जो हेड सेक्शन होगा, उस हेड सेक्शन के अंदर हम इस स्टाइल टैग का यूज करेंगे। देखो कैसे, हमने यहां पर क्या करा, ये इंटरनल सीरीज का एग्जांपल है। ये एस्टीमेट शुरू हुआ, एस्टीमेट नीचे बंद हो रहा है, हेड शुरू हुआ, हेड बंद हो रहा है। इसके अंदर हमने टैग किस तरह स्टाइल टैग, और हमने जिस जिस टैग पर भी स्टाइल लगाने हैं और उन टैग का नाम लिखे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे, कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे, और यहां पर हम एट्रीब्यूट की वैल्यू दे देंगे, हम उन्हीं एट्रीब्यूट की वैल्यू दे देंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी आपने स्टाइल लगाए हैं, वो सारे के सारे स्टाइल इंप्लीमेंट हो जाएंगे उस टैग के ऊपर। देखो यहां पर बॉडी टैग के अंदर एच1 टैग है, पी टैग है, और हमने स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन कर रखा है कि एच1 के अंदर कलर क्या हो रहा है, ब्लू। तो जो उसका टेक्स्ट कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। पी टैग के अंदर कलर क्या हो जाए, रेड। तो जो पी टैग के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रेड। तो इस तरह से हम इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे। देखो समझाता हूं,
ये हमारा एग्जांपल है इंटरनल सीएसएस का। कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हम एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाएंगे। हमने लिखा एचटीएमएल, एचटीएमएल ये ओपन टैग हो गया। फिर हमने इसके अंदर यूज करा हेड, हेड टैग यूज करा। हेड के अंदर हम यूज करेंगे स्टाइल टैग। स्टाइल टैग यहां पर शुरू हो रहा है और स्टाइल टैग यहां पर क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। स्टाइल टैग यहां पर क्लोज हो गया, राइट। अब आपको स्टाइल टैग के अंदर ही क्या करने हैं, जितने भी आपको स्टाइल लगाने हैं वो सारे के सारे आप इस स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन कर दोगे। और स्टाइल टैग होगा कहां पर? हेड टैग के अंदर। देखो कैसे डिफाइन करोगे। सपोज करो आपने यहां पर बंद कर दिया क्लोज, हो गया यहां पर हेड टैग, हेड टैग यहां क्लोज हो गया। आपने एक बॉडी टैग यूज करा और बॉडी टैग आपने यहां पर क्लोज कर दिया और बॉडी टैग के बाद आपने एचटीएमएल टैग जो है उसको क्लोज कर दिया। यहां बॉडी टैग के अंदर आपने टी टैग यूज करा और यहां लिख दिया हेलो और इस टी टैग को आपने यहां पे क्लोज कर दिया, राइट। कोई प्रॉब्लम? देखो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लिखा हुआ है अभी स्टाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है। जब ये प्रोग्राम हम इसको सेव करेंगे .html से और इसको जब हम रन करेंगे ब्राउजर के अंदर तो सिंपल सा आउटपुट जो आएगा आपकी स्क्रीन पर आपके वेब पेज पर लिखा हुआ आएगा क्या? केवल हेलो। ब्लैक कलर में ये हेलो लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में ये हेलो लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर कोई भी स्टाइल नहीं लगाया है। अब हम चाह रहे हैं कि जो हेलो लिखा हुआ है ये हेलो रेड कलर में आए या ये हेलो ब्लू कलर में आए या इस हेलो का बैकग्राउंड जो है वो पिंक हो जाए, फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या यूज करने पड़ेंगे? हम यूज करेंगे स्टाइल। तो स्टाइल हम यहां पर यूज कौन सा कर रहे हैं? इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी हमें स्टाइल लगाने हैं वो सारे के सारे स्टाइल हम इस स्टाइल टैग के अंदर क्या करेंगे? सारे के सारे स्टाइल इस स्टाइल टैग के अंदर क्या करेंगे? डिफाइन। कैसे डिफाइन करेंगे? मुझे सारे के सारे स्टाइल किस पर लगाने हैं? ई टैग पर। सारे के सारे स्टाइल किस पर लगेंगे? पी टैग पर। तो सबसे पहले आएगा टैग का नाम, टैग का नाम आ गया, टैग का नाम क्या है? पी। क्लियर? पी टैग के नाम के बाद कर्ली ब्रेसेस शुरू और कर्ली ब्रेसेस बंद। टैग के नाम के बाद कर्ली ब्रेसेस शुरू, कर्ली ब्रेसेस बंद। उसके बाद अब आपको जो भी स्टाइल लगाना है इसके अंदर लिख दो। आपने यहां लिख दिया कलर कॉलन रेड, तो जो भी टैग के अंदर जो भी आपने लिखा है बॉडी के अंदर भी टैग है, इस टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है? हेलो। तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। कलर क्या हो जाएगा इसका? रेड। आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हो, आप यहां लिख दो आपने लिखा बैकग्राउंड कलर ब्लू। आप और भी स्टाइल लगाना चाह रहे हो तो वो आप सारे सारे यहीं पर डिपेंड करोगे वन बाय वन। बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा? ब्लू। आप चाह रहे हो फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए, फॉन्ट साइज कितना कर दिया हमने? 20। तो अब इसके कितने स्टाइल लग गए? तीन स्टाइल लग गए। इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। और फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा? 20। तो ये आपका आउटपुट जो है इसमें सारे के सारे सारे के सारे स्टाइल हेलो के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इंटरनल सीएसएस। ये आपकी कहलाती है इंटरनल सीएसएस, राइट। तो इस तरह से हम स्टाइल इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों तरीके हैं स्टाइल को यूज करने के, या तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करो या आप स्टाइल टैग का यूज करो। अगर आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करोगे तो वो कहलाएगी इनलाइन सीएसएस। अगर आप स्टाइल टैग
का यूज करोगे तो वो कहलाएगी इंटरनल सीएसएस। राइट, बात समझ में आई? वेरी गुड। अब क्या होगा, ये सारी चीजें आपने एक ही डॉक्यूमेंट में इंप्लीमेंट कर रखी। अब इसमें इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है, अब आप जितनी बार भी इस प्रोग्राम को बनाओगे, आपने बोले दूसरा प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम तो बना हुआ है, आपने दूसरा प्रोग्राम बनाया, अब आप दूसरे प्रोग्राम के अंदर सेम जितने भी आपने यहाँ पर स्टाइल डिफाइन करे हैं वो सेम स्टाइल आपको चाहिए, तो आप दोबारा लिखोगे, दोबारा लिखना पड़ेगा ना उस प्रोग्राम में जो तो स्टाइल लगेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रीयूजेबिलिटी खत्म हो गई, यहाँ पर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड नहीं है। रीयूजेबिलिटी क्या होती है, एक चीज बनी हुई है, चीज को बार बार यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। पानी का गिलास है, हर बार नया गिलास थोड़े से लाते हो, क्या करते हो, उसी गिलास से बार पानी पीते हो, वो क्या हो रहा है, रीयूजेबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड नहीं है, यहाँ पर आपको जितनी बार भी आप ये वाला स्टाइल आपको यूज करना है तो हर बार आपको ये उस डॉक्यूमेंट में स्टाइल हर बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने दूसरा तीसरा तरीका निकाला जिसे रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बन गए, उसका नाम है एक्सटर्नल सीएसएस, उसका नाम है एक्सटर्नल सीएसएस। उसके अंदर उन्होंने क्या करा, इसके उसके अंदर उन्होंने एक सेपरेट फाइल बना दी, उसके अंदर उन्होंने एक सेपरेट फाइल बना दी और उसका एक्सटेंशन रख दिया डॉट सीएसएस, और उसका एक्सटेंशन रख दिया डॉट सीएसएस, और उस सीएसएस फाइल के अंदर सारे के सारे स्टाइल जैसे आपने यहां डिफाइन कर रखे हैं वैसे सारे के सारे स्टाइल वहां डिफाइन कर दिए उस फाइल के अंदर, जिसका एक्सटेंशन क्या होगा डॉट सीएसएस। तो एक सेपरेट फाइल बनी, सेपरेट फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन एक्सटेंशन क्या रहेगा डॉट सीएसएस, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन एक्सटेंशन क्या रहेगा डॉट सीएसएस रहेगा। उस डॉट सीएसएस फाइल को आप उसी फोल्डर में सेव करोगे जहां पर ये एचटीएमएल का प्रोग्राम आपने बनाया है। ठीक है, उस डॉट सीएसएस फाइल को के अंदर आप सारे के सारे स्टाइल डिफाइन कर दोगे, जितने भी स्टाइल आपने उस डॉक्यूमेंट में आप लगाना चाह रहे हो सारे के सारे आप उस फाइल के अंदर बना के सेपरेटली फाइल बना ली और उसे डॉट सीएसएस नाम से सेव कर दिया। अब जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको किसी भी स्टाइल की रिक्वायरमेंट है तो आप उस सीएसएस फाइल को उठाओगे और उस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर दोगे, उस डॉक्यूमेंट के साथ आप लिंक कर दोगे, तो उससे क्या होगा जितने भी स्टाइल आपने उस सीएसएस फाइल के अंदर डिफाइन कर रखे हैं वो सारे के सारे स्टाइल उस स्टैक के अंदर क्या हो जाएंगे, इंप्लीमेंट हो जाएंगे, उस स्टैक के अंदर क्या हो जाएंगे, इंप्लीमेंट हो जाएंगे। यहाँ पर फायदा क्या होगा, यहाँ पर फायदा है क्या, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का, वहां पर एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर क्या फायदा है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का, वहां पर आपको हर बार स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक फाइल बना दो, उस फाइल के अंदर सारे स्टाइल लिख दो और जितने भी डॉक्यूमेंट है उनके साथ उसको क्या कर दो, लिंक कर दो, तो वहां पर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है, इसलिए एक्सटर्नल सीएसएस बनी। देखिए हम कैसे दो फाइल बनाएंगे और कैसे उसे लिंक करेंगे, तीसरा तरीका है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस हम क्यों यूज करते हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए, अगर हमें इस टाइप का यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, सेपरेट सीएसएस फाइल बना देंगे, उस सेपरेट सीएसएस फाइल के अंदर सारे के सारे स्टाइल कॉपी कर देंगे और जब भी हमें किसी डॉक्यूमेंट में स्टाइल की जरूरत है उस डॉक्यूमेंट के साथ सीएसएस फाइल को क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे, इससे वो सारे के सारे स्टाइल उस डॉक्यूमेंट के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये होता है एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर, देखिए कैसे, यहां पर देखिए एन एक्सटर्नल शीट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टाइल फॉर मेनी एचटीएमएल पेज, तो किस लिए हो रही है, रीयूजेबिलिटी और कोड के लिए। टू यूज एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट एड अ लिंक टैग, हम यहाँ पर एक लिंक टैग यूज करेंगे हेड सेक्शन में जो लिंक करने के काम में आएगा किसको, उस स्टाइल शीट फाइल को, उस सीएसएस फाइल को।
जो हमने इसके अंदर हमने सारे के सारे टैग सारे के सारे शेयर कर रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल में देखो, यहां पर हमने स्टाइल शीट बनाई, स्टाइल शीट का नाम है स्टाइल शीट की है, ये रिलेशन है, ये लिंक नाम का टैग यूज हुआ है, और एचआरईएफ के अंदर हमने उस फाइल का नाम दे दिया स्टाइल डॉट स्पेसेस। एचआरईएफ की फुल होती है हाइपर रेफरेंस, तो यहां पर फाइल का नाम आएगा रिलेशन में स्टाइल शीट है, तो आरईएल में रिलेशन में स्टाइल शीट आएगा। तो ये स्टाइल ऑफ स्पेसेस के अंदर आप जितने भी स्टाइल डिफाइन कर रखे हैं वो सारे के सारे इस पेज के ऊपर लग जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल स्पेसेस का यूज करते हैं। एक्सटर्नल स्पेसेस यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट आप सेपरेट डॉट सीएसएस फाइल, लिंक दिस फाइल विद एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यूजिंग लिंक टैग। तो ये आपको दो काम करने पड़ेंगे, आपको अगर एक्सटर्नल स्पेसेस यूज करनी है, सबसे पहला काम आपको एक सेपरेट स्पेसेस फाइल बनानी पड़ेगी, उस स्पेसेस फाइल के अंदर हमें सारे के सारे स्टाइल डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे हमने स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन करे हैं ऐसे हम उस फाइल के अंदर डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिंक टैग का यूज करेंगे, लिंक टैग का यूज करने के बाद हम उस स्पेसेस फाइल को उस एस्टीमेट डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर देंगे। जो ये लिंक टैग है होगा वो ये होगा, यहां लिखेंगे आप लिंक, फिर आएगा आरईएल यानी रिलेशन, रिलेशन में बताएंगे किस तरह की फाइल है, तो डॉट सीएसएस के केस में हमेशा यहां आएगा स्टाइल शीट, राइट। इसके बाद आएगा एचआरईएफ, एचआरईएफ होता है हाइपर रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस के अंदर हम फाइल का नाम देंगे, सपोज आपने फाइल बनाई स्टाइल के नाम से, तो स्टाइल डॉट सीएसएस नाम की फाइल हो जाएगी, और ये यहां पर लिंक टैग क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, यहां पर लिंक टैग क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। और ये लिंक टैग कहां पर यूज होगा, लिंक टैग यूज होगा हेड टैग के अंदर, लिंक टैग यूज होगा हेड टैग के अंदर। इतना करने पर हम ये एक्सटर्नल स्पेसेस फाइल जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तीसरा तरीका है जिसकी मदद से हम पूरे के पूरे स्टाइल इस फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास कितने तरीके हुए, तीन तरीके हुए, पहला तरीका इनलाइन, दूसरा तरीका इंटरनल, तीसरा तरीका एक्सटर्नल। इनलाइन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनलाइन के अंदर हम यूज कर रहे हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का, याद रखना इनलाइन के अंदर हम यूज कर रहे हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का। इंटरनल के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, इंटरनल के अंदर हम यूज कर रहे हैं स्टाइल टैग का, स्टाइल टैग का। और एक्सटर्नल स्पेसेस के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्पेसेस के अंदर हम यूज कर रहे हैं एक सेपरेट फाइल बना रहे हैं, उस सेपरेट फाइल को हम लिंक कर रहे हैं किसके अंदर, उस एस्टीमेट डॉक्यूमेंट के अंदर जिसके अंदर हम स्टाइल लगा रहे हैं, और इससे हम क्या एक्सटर्नल स्पेसेस के लिए यूज हो रही है रियूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए। इसमें क्या हो रहा है कि आपने एक फाइल बनाकर रख ली, अब उस फाइल को आप कभी भी कैसे भी किसी भी एस्टिमेट डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर लो जिस पर आपको इसको यूज करना है, उस एस्टिमेट डॉक्यूमेंट के साथ लिंक होते ही वो जितने भी आपने स्टाइल इस फाइल के अंदर डिफाइन कर रखे हैं वो सारे के सारे स्टाइल आपके इंप्लीमेंट हो जाएंगे कहां पर, उस एस्टिमेट डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा भाई देखो कैसे, आपने क्या करा, सबसे पहले एक सेपरेट फाइल बनाई, तो वो फाइल का नाम रखा आपने स्टाइल और उसका एक्सटेंशन रखा डॉट सीएसएस, ठीक है। आपने उसके अंदर स्टाइल डिफाइन करते हिसाब करते आ रहे थे पी टैग है सेमी कोलन शुरू, आपने यहां कर दिया कलर कोलन रेड,
और आपने इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पर एक स्टाइल जो है वो डिफाइन हो गया, ये फाइल बंद गई, फाइल का नाम क्या हो गया स्टाइल डॉट सीएसएस। अब आपने क्या करा, अब आपने एसटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाया, हेड सेक्शन बनाया, बॉडी सेक्शन बनाया, बॉडी के अंदर पी टैग यूज करा, पी टैग के अंदर आपने लिखा है ये बॉडी टैग बंद हो गया और यहां एसटीएमएल बंद हो गया। अब आप इस हेलो के ऊपर ये स्टाइल लगाना चाह रहे हो तो आपको यह करना पड़ेगा, ये जो सिर्फ फाइल बनाई है इस सिर्फ फाइल को एसटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ क्या कराना पड़ेगा, लिंक। तो आप यहां पर यूज करोगे लिंक टैग का, यहां पर आरईएन एट्रीब्यूट का यूज करोगे, यहां रिलेशनशिप बताओगे कि ये क्या है फाइल। तो आपने बता दिया एक फाइल है, एक स्टाइल शीट है, सिर्फ के केस में हमेशा यहां पर स्टाइल शीट आएगा। फिर आप यूज करोगे एचआरईएन यानी हाइपर रेफरेंस, यहां पर आप दोगे फाइल का नाम जो भी आपने रखा है, मैंने रखा है स्टाइल डॉट सीएसएस। तो आप यहां पर आपने बता दिया फाइल का नाम क्या है स्टाइल डॉट सीएसएस, इसे बंद करा और यहां पर इसको बंद कर दिया। ऐसा करते ही जितने भी यहां पर पी टैग बॉडी के अंदर हेलो के अंदर हेलो का कलर क्या हो जाएगा रेड, ये जो सेपरेट फाइल है इस एसटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ क्या हो जाएगी लिंक हो जाएगी। इस तरह से हम एसटीएमएल सेव क्या करते हैं यूज करते हैं और ये यूज होती है रिव्यूबिलिटी ऑफ कोड के लिए। तो ये हम इस तरह से हम एसटीएमएल सेव यूज करते हैं, एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं और सेपरेट फाइल को उस एसटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर लेते हैं जिसके साथ हमें जिस पर हमें सारे सारे स्टाइल करने हैं डिफाइन करते हैं। इस तरह से एक सीएसएस यूज होती है। तो सीएसएस हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड